बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोगों को वेलकम करता हूँ बिज़नेस प्लान के ऊपर। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे इसी तरह की अपडेट्स और अमेजिंग बैंक लोन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं किसी बैंक में इन्वेस्ट करना, तो किस बैंक में आप लोग इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस हवाले से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोगों को ये तो पता होगा कि रिसेंटली जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो स्टेट ऑफ बैंक है पाकिस्तान का, उसने 100% जो है वो बेस पॉइंट के अंदर इजाफा किया। यकीनन उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला। उससे पहले स्टेट बैंक ने 150% इजाफा किया था और हमें काफ़ी सारे जो है वो बजट के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिले थे। सो गाइस, पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो बेस्ट प्रॉफिट रेट है, बेस्ट बचत जो आपको मिलेगी सेविंग के अंदर, वो मिलेगी आपको कौमी बचत बैंक के अंदर, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का इदारा है और इसे बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों को इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट मिलता है उसके अंदर एक अच्छा मार्जिन दिया जाए। बाकी बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट तो देते हैं, लेकिन वो इस लेवल का प्रॉफिट नहीं देते जो कि आपको कौमी बचत बैंक देता है। तो साथ में रिसेंटली जो है वो आपको 100% बेस पॉइंट का इजाफा भी हुआ है, जो कि जनवरी से लागू हो जाएगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया, जो भी हैं रिटायरमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स हैं, सब के ऊपर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रेट देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि फ़लाँ जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर इतनी प्रॉफिट होगी, फ़लाँ के अंदर इतनी होगी। लेकिन आप लोगों को अगर जल्दी है और आप लोग करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो कौमी बचत बैंक आपको अपना फ़र्स्ट इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि वो एक बेस्ट बैंक है और उसके अंदर आपको एक अच्छे खासे जो हैं वो बेस्ट प्रॉफिट रेट देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।